आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में सोमवार से अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप का शुभारंभ गोरखपुर के रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन नरसा के अध्यक्ष योगेश चौहान ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर किया। चैंपियनशिप का पहला मैच मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे एवं मध्य रेलवे के बीच खेला गया, जिसमें पहले खेलते हुए मध्य रेलवे की टीम ने 217 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी पूर्वोत्तर रेलवे की टीम ने रोमांचक मैच में एक विकेट से जीत दर्ज कर ली। इस संबंध में जानकारी देते हुए CPRO पंकज सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता में रेलवे के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा। का उद्घाटन किया गया था तो तभी से यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ पे एक बड़े स्तर का टूर्नामेंट होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रयास किया कि यहाँ एटलीस्ट इंटर रेलवे टूर्नामेंट को आयोजित किया जा सके। अभी नॉकआउट टूर्नामेंट जो चल रहा है, इसमें पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन पूर्वोत्तर रेलवे कर रहा है और इसमें भारतीय रेलवे की कुल 8 जो बेस्ट टीमें हैं वो हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें अलग अलग स्थानों पे 4 जगहों पे लीग मैचेस हुए, उसमें जो टीमें विजयी हुई वो टीमें यहाँ पर आई हैं और आज इसका उद्घाटन सुबह किया गया और इनॉगरल मैच अभी चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेंट्रल रेलवे वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। भारतीय पेंशनर्स मंच का दूसरा अधिवेशन कलेक्ट्री कचहरी के बार एसोसिएशन मीटिंग हॉल में हुआ आयोजित। भारतीय पेंशनर्स मंच का दूसरा अधिवेशन गोरखपुर के कलेक्ट्री कचहरी बार एसोसिएशन के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई। अधिवेशन के दौरान पेंशनर्स की आयु 65 वर्ष होने के बाद पेंशन में बढ़ोतरी सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बात की जानकारी देते हुए मंच के राष्ट्रीय महामंत्री VS यादव ने कहा कि सरकार ने रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है, उसे फिर से शुरू किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार पेंशनरों का 18 माह का महंगाई भत्ता जिसे रोक दिया है उसे भी दिया जाए। इसमें मुद्दे अनेक हैं, मुख्य रूप से मुद्दे ये हैं कि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो सरकार चाहे तो 2 मिनट में हल हो सकती है। जैसे वर्तमान समय में रेल के अंदर वरिष्ठ नागरिकों को जो रेल किराए में सुविधाएं मिलती थी, छूट मिलती थी, वो वर्तमान सरकार ने बंद की। ये छूट सदियों से वरिष्ठ नागरिकों को सरकार दे रही है। जो वरिष्ठ नागरिक महिलाएं 60 साल की हैं, पुरुष 60 साल के हैं, महिलाओं को 60%, पुरुषों को 40% किराए में छूट मिलती थी, वर्तमान सरकार ने उस छूट को बंद कर दिया। चार पहिया वाहन के स्पेयर पार्ट्स के दुकानदारों का अतिक्रमण नगर निगम द्वारा हटाया गया। गोरखपुर के सिविल लाइन इलाके में स्थित काली मंदिर के निकट चार पहिया वाहन के स्पेयर पार्ट्स के दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नगर निगम ने 2 दिनों पूर्व हटवा दिया।
नगर निगम की टीम ने दुकानों के सामने लगाए गए शेडो को भी तोड़ दिया, जिससे इस चिलचिलाती धूप में दुकानदार और मैकेनिक परेशान हैं। ऐसे में सोमवार को दुकानदारों ने सिविल लाइन के पार्षद अजय राय से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर पार्षद ने इस पर नगर निगम के अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। समस्या थी कि दुकान के ऊपर शेड लगे हुए हैं छज्जे के रूप में, वो धूप और पानी से बचाने के लिए है, तो उसको नगर निगम अवैध मान के तोड़ रहा है। उसको रोकने के लिए और बाहर के साइड में, सड़क के बाहर के साइड में नाले के आगे कूड़ेदान रखवाने के लिए इन लोगों की मांग थी। और तीसरी मांग थी कि लाइन एक कोई खींच जाए जिसके अंदर जो गाड़ी है कारीगर अपना गाड़ी बनावे, और बाहर जो लाइन के बाहर हो उधर ना बनावे। इन्हीं सब मुद्दों के लिए था। दूसरा ध्वनि प्रदूषण था जो चौराहे पर ITMS का लगा हुआ है सिग्नल के लिए, उसके लिए था कि वो उसको वॉल्यूम कम कर दिया जाए या कोई समय निर्धारित कर दिया जाए, उस समय के अंदर ही वो बजे। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर, प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। मारवाड़ी सेवा समिति गोरखपुर का प्रतिभा प्रशिक्षण शिविर 20 मई से 28 मई तक। मारवाड़ी सेवा समिति गोरखपुर का प्रतिभा प्रशिक्षण शिविर 20 मई से 28 मई तक सिविल लाइन इलाके में स्थित होटल में किया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रशिक्षण शिविर के समन्वयक गौरी शंकर सरावगी ने दी। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान डांस, मार्शल आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रतिभाओं के विकास के साथ ही व्यक्तित्व विकास के नए विषयों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। हम लोग मारवाड़ी सेवा समिति गोरखपुर से आए हैं। हमारी संस्था जो है सामाजिक सरोकार के विभिन्न कार्यक्रम समाज के लोगों के लिए आयोजित करती है। इसी क्रम में बच्चों के लिए प्रतिभा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 20 मई से 28 मई तक होटल क्लार्क्स पार्क रोड में किया जा रहा है। इसमें 7 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे मार्शल आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसके अलावा महिला उद्यमियों जो घर से कुटीर उद्योग की तरह बुटीक या इस तरीके के कारोबार करती हैं, उनको भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो लोग अपने कारोबार को किस तरह कर सकते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग करके वो अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।